इस समय बहुत दीगर मतलब हमारे ये हैं अंबेडकर नगर के बुजुर्ग, जिनको ये कहा जाए कि कविता के मसीहा यहाँ बैठे हुए हैं। शायद आवाज़ उन तक नहीं पहुँचती कानों तक, ये उम्र का ये पड़ाव ही ऐसा है, उनको मतलब कोई इंगित करेगा, उनको कुरेदना पड़ेगा कि अब आपको बुलाया जा रहा है। हमारे ये हैं आदरणीय विद्या प्रसाद मिश्र जी, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, सुनिएगा आप लोग इतनी नाम से। मैं प्राचार्य जी की बातों को टालने का सामर्थ्य न रखते हुए बिना मन की कविता पढ़ रहा हूँ। कविता का शीर्षक है नंबरदार नेता। हास्य व्यंग की है ये रचना। हमने तो नंबरदार है, हमने तो नंबरदार है, धरती माता के भार है। नेताजी के वेशभूषा तो आलीशान है, लेकिन कर्तव्य उनके हैं कि वो पृथ्वी पर भार स्वरूप टहल रहे हैं। और मेरे करीबी ही नेता थे, एक नेता का के ऊपर ये यथार्थ है। हाई पढ़ल लिखल बिल्कुल नहीं, हस्ताक्षर करना जानी ला, कैसे कब कहाँ मिली पैसा हम भली भांत पहचानी ला। सच्चे अच्छे नामी गामी नेतन के राग बखानी ला, ऊंच नीच बतियाए फसाए कि मकर जाल में बांधी ला। हम नील में रंगा सियार है, धरती माता के भार है, हम नेता नंबरदार है। जनमत के खैली माई बाप लावारिस बन घूमत रहली, टटियों के नहीं ठेकान रहा दूसरे के घर सूतत रहली। एक नामी नेता जी के साथ पंचो हमहू घूमे लगली, हो गेल बियाह बुढ़ौती में औरतिया मिलल हमें पगली। नित टोपी धरे कपार है, धरती माता के भार है, हम नेता नंबरदार है। नौकरी के नाम पले पैसा कितना जन के भरमा डल्ली, गुड़गोहू जो बेचवा करके कईयो उपवास करा डल्ली। एको धुर नाही खेत रहल लिए खेत और बन गए महली, निज स्वार्थ में हम रत रह के कईयो जन के अनभल कैली। हमका केहुना आपन समझे हम बहुत मतलबी यार है, धरती माता के भार है, हम नेता नंबरदार है। हम 80 बरस के हो गईली कबो क्यों अच्छा कहलस नाही, जितना दुख हम सहले बाटी उतना दुख क्यों सहलस नाही। औरतिया हाथ में झाड़ू लय नित नागिन यस फुपकारे ले, औरतिया हाथ में झाड़ू लय नित नागिन यस फुपकारे ले। घिनही घिनही गारी दई के ऊ बकुल, घिनही घिनही उदारी दई के ऊ सात पुस्त के तारे ले। हम बकुल पंख नेता नामी, हम बकुल पंख नेता नामी, बदनामी के अवतार है, धरती माता के भार है, हम नेता नंबरदार है। घर से दुरियावल जाइला, घर से दुरियावल जाइला, नित भाग कचहरी आईला। दूसरे के पैसा कह भैया रसगुल्ला खूब उड़ाईला, पैसा लेके तहसील कचहरी थाने तक चल जाइला। पहले अपन हिस्सा लेके फिर दूसरे के दिलवाइला। जे सेनी में हल्के गावे हम उनहू के सरदार है, हम नेता नंबरदार है, धरती माता के भार है। हम पटी नहर के गूल है, असली बेहया के फूल है। हम पटी नहर के गूल है, असली बेहया के फूल है। जैसे कुछ मंगले मिले ना हरदम ओकरे प्रतिकूल है, जकरे कटले के बचे ना हम असली वह फेटार है, धरती माता के भार है, हम नेता नंबरदार है। औरत हमार नहीं पढ़ल लिखल लेकिन हमके बहुमाने ले। जब खाली थैली घर जाए सिर बेलन मूसर ताने ले। मरगौनू मुहलौनू कह के ऊ सातों पुस्त बखाने ले। दुरहवा नौकरे से बत्तर मेहतर ऐसा हमके जाने ले। कब बीपी निंदित दुर्गंधित हम घूरे के कतवार है, धरती माता के भार है, हम नेता नंबरदार है। ऊ तनिक नहीं शर्माती है खूब पान सुपारी खाती है, नित हम पर रोब जमाती है जब तक पैसा नहीं पाती है। ओठों में लगाती लाली है हमें देती सैकड़ों गाली है। बीपी है कोई और नहीं, ओठों में लगाती लाली है हमें देती सैकड़ों गाली है। बीपी है कोई और नहीं, मेरी मनबड़ घरवाली है।
का कही बुढ़ौती के शादी से भैया हम लाचार है, हम नेता नंबरदार है, धरती माता के भार है। हमारे संचालक जी ने संबोधन में सही कहा कि बुजुर्ग नेता, तो एक जगह कब सम्मेलन था उसमें एक कवित्री जी आई हुई थी, तो उन्होंने बूढ़ों का बड़ा, आपने तो सही कहा, बूढ़ों का अपमान किया और कहा जो पीछे हैं वो आगे चले आए, यहाँ तो सब बूढ़े आगे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, प्रेमलता जी उनका नाम था, आजमगढ़ की थी, मैंने कहा प्रेमलता जी यथाशीघ्र इसी दहलीज पर पधारने वाली हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है। मैं बताता हूँ कि नई कलियाँ भी खिलती हैं, नए हालात होते हैं, मगर बूढ़े गुलाबों के भी कुछ जज्बात होते हैं। फूल होता है, फूल होता है, पान होता है, चंद्रमा के समान होता है, तन तो ढल जाए किंतु मन कवि का जिंदगी भर जवान होता है, कौन कहता है। मैंने कहा बुढ़ापे में तो लड़का नाती पनाती क्यों ना पूछे, लेकिन मैंने दूसरा अर्थ लोगों ने लगाया, मैंने कहा कौन कहता है बूढ़ों में जवानी नहीं होती है, जवानी होती है मगर मेहरबानी नहीं होती है।